Hello learners, I am Asha Yadav, Assistant Professor, Department of Computer Science, School of Open Learning, University of Delhi. And today with me is Mr. Deekshan Tavasti, Academic Coordinator, School of Open Learning, University of Delhi. सो so, आज का वीडियो हमारा लर्नर्स के लिए है सो दैट यू कैन अटेम्प्ट इंटरनल असेसमेंट सक्सेसफुली आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप लॉग इन कर सकते हैं किस तरीके से आप अपना इंटरनल असेसमेंट दे सकते हैं सबमिशन रूल्स क्या हैं कैसे आप अपने आंसर्स को रिव्यू कर सकते हैं और इस तरीके की सारी प्रॉब्लम्स जो अभी तक हमारे सामने आई हैं उनको हम इस वीडियो के थ्रू क्लियर आउट करेंगे सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक सर टू एक्सप्लेन वट एग्जैक्टली इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनल असेसमेंट एंड वट आर द स्टेप्स थ्रू विच अ स्टूडेंट कैन लॉग इन सक्सेसफुली टू द पोर्टल प्रज्ञान थैंक यू आशा जी डियर लर्नर्स आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से प्रज्ञान आपके इंटरनल असेसमेंट को बहुत आसान तरीके से बनाएगा और आप आसानी से इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे स्टेप्स फॉर इंटरनल असेसमेंट रजिस्ट्रेशन यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन फर्स्ट स्टेप यू कैन सी ओपन दिस वेबसाइट प्रज्ञान डॉट कोल डॉट डी यू डॉट ए सी डॉट इन प्रज्ञान डॉट कोल डॉट डी यू डॉट ए सी डॉट इन आप जैसे ही टाइप करेंगे ब्राउजर में एंड एज यू आर गोइंग टू रीच एट द प्रज्ञान पोर्टल सो दिस इज अवर प्रज्ञान पोर्टल हियर यू कैन सी ऑल बटनस आर वेल क्लियर लॉग इन बटन आप देख सकते हैं जो राइट मोस्ट अपर कॉर्नर पर दिख रहा है आपको लॉग इन बटन पर क्लिक करना है लॉग इन बटन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे राइट साइड ऑन द टॉप जो लॉग इन बटन है वहाँ पर आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड अपना टाइप करना है फर्स्ट आप यूज़र नेम देंगे देन पासवर्ड यू आर गोइंग टू एंटर एंड दिस पासवर्ड एंड यूज़र नेम वॉज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाई द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आया है हमारे एस uh, की तरफ से और उस मैसेज में हमने आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेंड किया हुआ है डिफ़ॉल्ट uh, पासवर्ड जो हमारा है वो कैपिटल एल ई ए आर एन लर्न एट द रेट वन टू थ्री फोर फाइव है एल शुड बी इन कैपिटल लेटर्स इसका आप विशेष ध्यान रखें और फर्स्ट टाइम लॉग इन करने के बाद आप अपने पासवर्ड को चेंज कर लें और वो हमारी तरफ़ से एडवाइजेबल है आपके लिए डेफिनेटली स्टूडेंट्स सो वेन यू आर गोइंग टू लॉग इन आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आपका डिफॉल्ट पासवर्ड लर्न एट द रेट वन टू थ्री फोर फाइव है अगर आप पिछली बार आइए सक्सेसफुली अटैम्प्ट करके अपना पासवर्ड ऑलरेडी सेट कर चुके हैं तो वही पासवर्ड आपका इस बार भी काम करेगा इन केस आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पर फोगेट पासवर्ड का बटन है जिसको आप क्लिक कर सकते हैं जो आपके रजिस्टर्ड ई मेल आई डी पर आपको पासवर्ड सेटिंग का लिंक प्रोवाइड कर सकता है फर्दर आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे कि मैंने एक टेस्ट आईडी से लॉगिन कर रही हूं तो मेरा अपना आईडी और पासवर्ड डाल रखा है यहां पर आप अपना आईडी डालेंगे द कंप्लीट आईडी आपका रोल नंबर एट द रेट एस ओ एल हाई डी यू डॉट ए सी डॉट इन अलॉन्ग विद योर पासवर्ड लॉग इन और पासवर्ड डालने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है जी यहाँ पर आ... सभी लर्नर्स को मैं बताना चाहूँगा आपका जो यूज़र uh, नेम है और उसका जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें आपके फर्स्ट टू डिजिट्स जो हैं वो आपके ईयर को मार्क करते हैं देन देर इज अ आफ्टर हाइफ़न देर इज अ वन मोर डिजिट एंड दिस शोज विच सेंटर यू आर एनरोल्ड एंड देन हाइफन Then again, two digits, and these two digits are related to your program code, which program you are enrolled.

स्क्रीन में ऊपर बहुत ही क्लियरली लिखा है वन कोर्स पर वो आपको आपके नंबर ऑफ कोर्सेज दिखाएगा अगेन आई वुड लाइक टू मैंशन सपोज आप बी ए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो बी ए प्रोग्राम आपका प्रोग्राम है जिसके अंदर अगर आपने पांच कोर्सेज ले रखे हैं देर आर फाइव सब्जेक्ट एट यूर स्टार्टिंग तो वो पांच कोर्सेज आपके पांच कोर्स इनरोल्ड दिखाएगा तो यहाँ पर मैं क्योंकि एक मॉक आई से ये टेस्ट दे रही हूँ तो यहाँ पर ये एक मॉक आई मुझे एक कोर्स एनरोल्ड दिखा रहा है फर्दर थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर आप देखेंगे इफ आई क्लिक ऑन दिस कोर्स इनरोल्ड तो मैं एक नई स्क्रीन पर जाऊंगी जिसमें हल्का सा स्क्रॉल डाउन करने पे आपको यहाँ पर टाइल्स दिखेंगे जो कि आपके कोर्सेज के टाइल होंगे मेरे केस में यहाँ पर सिर्फ एक टाइल है क्योंकि मैं सिर्फ एक मॉक टेस्ट देने के लिए सिस्टम पे इनरोल हुई हूँ बट आपके केस में यहाँ पे पांच टाइल्स हो सकते हैं सात टाइल्स हो सकते हैं जितने भी आपके कोर्सेज हैं आपके प्रोग्राम के अंदर तो अब यहाँ से आपको यहाँ पर अपने सब्जेक्ट का नाम दिखाई देगा जहाँ पे मुझे मॉक टेस्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको बाकी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी कि आपने असेसमेंट दिया है या वो पेंडिंग है असेसमेंट की क्या लास्ट डेट है एंड सो ऑन अगेन आई विल एक्सप्लेन दैट द विंडो फॉर गिविंग द यू जी सेकेंड सेम एंड फोर्थ सेम इंटरनल असेसमेंट इज फ्रॉम फोर्थ ऑफ मे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर टू एटीन ऑफ मे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर अब आपको इस टेस्ट को देने के लिए यहाँ पे एक लॉन्च बटन है जिसपे क्लिक करना पड़ेगा लॉन्च बटन क्लिक करते ही आपका एक दूसरा विंडो खुलेगा जो कि कंटेंट प्लेयर है कंटेंट प्लेयर विंडो में जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मेरा असेसमेंट आ रहा है असेसमेंट की ड्यूरेशन क्लियरली मैंशनड है कि मुझे फोर्टी मिनट्स मिनट मिले हैं असेसमेंट के लिए फर्दर मेरे पास स्टार्ट असेसमेंट का बटन है उसके नीचे का जो भी विंडो है जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्योंकि मैं असेसमेंट पहले भी दे चुकी हूं इसलिए मुझे इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है आपका असेसमेंट डिफरेंट है तो आपके इस विंडो में डिफरेंट इंफॉर्मेशन अच्छा जी इसको भी हाईलाइट कर दें यहाँ पर नाइनटी जो दिया हुआ है दिस इज जस्ट फॉर द मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट को मल्टीपल टाइम्स हमें डेमो के लिए यूज करना था इसलिए वहां पर नाइनटी नाइन अटेम दिया गया है आपके लिए मॉक uh, टेस्ट का uh, जो नंबर है वो ज्यादा भी exactly. हो सकता है बट एग्जैक्ट जब आप रियल कोर्स में एंटर करेंगे वहां पर ओनली टू यू विल बी एबल टू सी वहां पर केवल आपको दो अटैम्प्टिंग आप, तो, uh, uh, आ जाएगा लाइक आउट ऑफ टू यू हैव टेक अगेन इफ यू आर गोइंग टू अवेल अनदर अटैम्प्टेन टू आउट ऑफ टू यू आर गोइंग टू टेक एंड हमने जो मैक्सिम नंबर ऑफ अटैम्प्ट किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए रखे हैं इंटरनल असेसमेंट में वो हैं दो आप टू अटैम्प्ट से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं ले सकते हैं तो इसलिए हमेशा ये एडवाइजेबल रहेगा आप अपना एग्ज़ाम तभी शुरू करें वेन यू आर गोइंग टू फील कॉन्फिडेंट मतलब अपने आप में आप फील कर रहे हैं कि आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है लेकिन अगर फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद आपको लगता है आपके पास समय है आप और तैयारी कर सकते हैं और फिर बेटर प्रिपरेशन के साथ आप सेकेंड अटैम्प्ट भी ले पाएंगे डेफिनेटली एज एक्सप्लेन बाय सर यहाँ पे अटेम्प टेकन में आपको दो चीज़ें दिख रही हैं समथिंग बिफोर द स्लेशथिंग आफ्टर द स्लैश बिफोर द स्लेश वो है जितने नंबर ऑफ अटैम्प्ट आप दे चुके हैं तो अगर आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करेंगे तो आपको यहाँ जीरो दिखेगा स्लेश टू दिखेगा बिकॉज टू इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटैम्प्ट नाउ एज सुन एज यू गिव वन अटैम्प्ट तो यहाँ पर आपको वन दिख जाएगा और स्लैश में टू ही दिखेगा तो रिमेंबर द नंबर आफ्टर स्लैश इज द टोटल अटैम्प्ट एंड इट हैज़ नथिंग टू डू कि आपके पास टू अटैम्प्ट पेंडिंग है द टोल अटैम्प्टू हैव टेकन विल बी डिस्प्लेड हेयर बिफोर द स्लैश और इसी के अकॉर्डिंग आपके अटैम्प्ट जो पेंडिंग होंगे वो आपके पास होंगे दो अटैम्प्ट से ज़्यादा आप अटैम्प्ट नहीं दे सकते हैं सो वी सजेस्ट यू टू बी प्रिपेयर्ड आप ऐसे ही टेस्ट देखने के लिए उसको खोल के ना बैठें क्योंकि एज सोन एज यू ओपन अ विंडो योर अटैम्प्ट विल बी काउंटेड जैसे ही आप स्टार्ट असेसमेंट कर देंगे असेसमेंट लॉन्च कर देंगे आई विल शो यू जैसे ही आप कंटेंट प्लेयर पर आ जाएंगे आपका असेसमेंट काउंट हो जाएगा एंड दैट विल बी काउंटेड एज वन अटैम्प्ट यस yes, so, uh, सो सभी लर्नर्स से ये अनुरोध रहेगा कि एक बार अगर आपने अपना टेस्ट विंडो ओपन कर लिया और आप टेस्ट के लिए टेस्ट जोन में आप एंटर कर गए हैं तो आप अपना टेस्ट पूरा कंप्लीट करें क्योंकि वो आपके एक अटेम्प्ट की तरह काउंट किया जाएगा इट इज़ लाइक रेगुलर मोड में जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं क्लासरूम में एंटर करने के बाद आपको एक जो भी कॉपी मिलती है आप अपना रोल नंबर uh, उस पर एंटर uh, करने के बाद आप लिखना शुरू करते तो हर एग्ज़ाम की एक सेंटिटी है uh, एक टाइम ड्यूरेशन के लिए वो एग्ज़ाम ऑन रहता है और उसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को देते हैं और जिससे कि सभी लर्नर्स को एक टाइम जोन में इवेलुएट किया जाता है सिमिलरली यहाँ पर ऑनलाइन में भी आप एक बार अगर अपने एग्जाम को ऑन कर लेते हैं तो उस उसके बाद वो उस फोर्टी फाइव मिनट्स का जो विंडो है उसमें हम आपको इवेलुएट करेंगे पी कैंडिडेट्स को नाइन्टी मिनट्स का ये टाइम दिया जाएगा एक्जैक्टली exactly. सो so, यहाँ टोटल ड्यूरेशन जो आपको फोर्टी फाइव मिनट्स दिख रही है ये जनरल यूजर्स के लिए इन केस ऑफ स्पेशली एबल्ड वी हैव नाइनटी मिनट टाइम लिमिट विच इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन टू द नोटिफिकेशन फर्दर आप देखेंगे यहाँ पे हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्लियरली दिया है ताकि लर्नर को प्लेटफॉर्म में जाते समय किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये पूरी इंस्ट्रक्शन लाइन बाई लाइन प्रॉपरली पढ़ने के बाद ही असेसमेंट बिगेन करें आशा जी इन इंस्ट्रक्शन को आप एक बार लर्नर्स को बताइए कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स इनके कलर कोड्स का क्या मतलब है यहाँ पर ओके सो एज सेट बाय सर आप यहाँ इजीली देख सकते हैं कि वी हैव ग्रे रेड ग्रीन एंड पर्पल कलर कोड्स सो फॉर ग्रे यू कैन सी दैट इट हैज बिन रिटर्न दैट यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट यानी कि अगर आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है तो उसका टैब आपको ग्रे कलर का दिखाई देगा एज ऐसो एज आप किसी क्वेश्चन पे जाते हैं और तब जब तक आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर देते हैं वो टैब आपको रेड दिखाई देगा सपोज आप एक क्वेश्चन पे गए और आपने स्किप टू नेक्स्ट कर दिया तो डेफिनेटली आपका ये टैब रेड ही रहेगा क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया पर आपने उसको आंसर नहीं किया है ये कलर कोडिंग यूजर की हेल्प के लिए है ताकि राइट हैंड साइड पर कलर कोडिंग देख ही आप पहचान सके कि आपने आउट ऑफ थर्टी फाइव क्वेश्चन कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं आपको बार बार आगे पीछे स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सपोज आपने किसी क्वेश्चन का आंसर दे दिया है एंड यू हैव क्लिक द बटन ऑफ सेव एंड नेक्स्ट तो आपने अपना आंसर दिया और आंसर को सेव किया इन दैट केस द कलर कोड विल बिकम ग्रीन ग्रीन मीन्स यू हैव गिवन द आंसर एंड यू हैव प्रेस द बटन दैट यू वॉन्ट टू सेव दिस आंसर ऑल्दो सेव्ड आंसर कैन ऑल्सो भी चेंज बट दिस मार्क्स दैट यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द आंसर एंड यू हैव सेव नेक्स्ट इज यू हैवर्पल बटन पर्पल बटन में यू हैव थ्री थिंग्स पर्पल बटन विदाउट एनीथिंग शोज दैट यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट यू हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू इसका मतलब यह है कि आपने करंट आंसर देने के लिए प्रेफरेंस आपने अभी अभी आंसर को देना प्रेफर नहीं कर रहे हो आपने उस क्वेश्चन को रिव्यू में रखा है ताकि इफ़ यू फील लाइक आपको बाद में टाइम है आपको इसको सोचने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए तो आप ऐसे क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो इससे आपका ये बेनिफिट होगा कि आपको क्वेश्चन को बैक ट्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा नेक्स्ट है द क्वेश्चन दैट आर मार्क फॉर रिव्यू बट इट विल बी कंसिडर फॉर इवेलुएशन ऐसे क्वेश्चन जिसका आपको कोई प्रोबेबल आंसर लग रहा है और आपने वो आंसर टिक कर दिया लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आप जब टेस्ट खत्म करने वाले हैं उस टाइम आप एक बार और उसको रिव्यू कर लें तो उस केस में आप इसको मार्क फॉर रिव्यू बटन विद दिस टैप यू कैन सेलेक्ट ये आपको अपनी राइट हैंड स्क्रीन पर दिख जाएगा वंस यू सेलेक्ट दिस इसका मतलब है ये क्वेश्चन रिव्यू के लिए मार्क हुआ है और ये इवेलुएशन के लिए भी कंसिडर कर दिया जाएगा इन केस यू सबमिट टेस्ट विद दिस पर्पल कलर इट सेल्फ याद रखें फोर और सिक्स नंबर जो हैं फोर और सिक्स नंबर के अगर आप पर्पल टैब्स चूज कर रहे हैं तो उस केस में आपको क्वेश्चन का मार्क्स नहीं मिलेगा बट इन केस यू आर चूजिंग दिस फिफ्थ टैब दैट आपने क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू किया था लेकिन अगर आपने टाइम क्रंच की वजह से पेपर सबमिट भी कर दिया तो भी ये क्वेश्चन एक बार इवेलुएट कर दिया जाएगा आशा जी यहाँ पर मैं सभी लर्नर्स से ये अनुरोध करूँगा कि आप कोशिश करें कि आपके सारे क्वेश्चन जिनके लिए आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो जो थर्ड नंबर पर आपका ग्रीन कलर से मार्क होता है प्रेफरेबली आप ग्रीन कलर के साथ जाएं मतलब अपना आंसर आप वहां पर रिकॉर्ड करें जिससे कि ग्रीन कलर वहां पर आपको रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए उसके साथ आप 100% परसेंट श्योर हैं कि आपका जो आंसर है वो इवोल्यूशन के लिए कंसिडर किया जाएगा एग्जैक्टली exactly. मैं भी यूजर्स से कहूंगी कि जब आप टेस्ट को एग्जिट करेंगे जैसा कि हम अभी आपको दिखाएंगे आपके पास मल्टीपल चांस होंगे टेस्ट पे वापस आने के तो जैसे ही आप एग्जिट करेंगे तो आप वहाँ ध्यान रखें कि आपके सारे 35 फाइव क्वेश्चन ग्रीन कलर के हो चुके हैं एंड देन ओनली यू आर एग्जिटिंग द टेस्ट फर्दर देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन कि आप प्लेटफॉर्म में आगे पीछे कैसे जा सकते हैं कैसे रिस्पॉन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं क्लियर कर सकते हैं ये सारे इंस्ट्रक्शन आप डिटेल में आराम से पढ़ सकते हैं हम अपने डेमो में आपको ये हर पैटर्न करके दिखाने वाले हैं सो बिफोर मूविंग फर्दर इस बटन ये बटन डिसेबल्ड है इसको क्लिक करने के लिए यू हैव टू चेक दिस चेक बॉक्स और जिस चेकबॉक्स के अकॉर्डिंग uh, आपने ये कंसेंट दिया है कि आपने सारे इंस्ट्रक्शन को ढंग से पढ़ लिया है समझ लिया है और आप उसको एडहर करेंगे सो वंस यू क्लिक दिस चेक बॉक्स ये बटन एक्टिव हो जाता है और आप इस पर क्लिक करके टेस्ट विंडो पर जा सकते हैं सो so, ये मेरा टेस्ट विंडो इंटरफेस है जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरे स्क्रीन के सेंटर में यहाँ क्वेश्चन नंबर डिस्प्ले हो रहा है देन क्वेश्चन का कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है उसके बाद आई हैव फोर रेडियो बटन्स जिसमें हमारे पास आंसर्स डिस्प्ले हो रहे हैं ऑल्सो यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड देर इज़ टाइम लेफ्ट ये एक टाइमर है जो आपको बताएगा कि आपके पेपर में अभी कितना टाइम बचा हुआ है सिंस द टाइम लिमिट इज़ फोर्टी फाइव मिनट्स आफ्टर फोर्टी फाइव मिनट्स ये विंडो अपने आप इलेप्स हो जाएगा जो भी आपके आंसर्स ग्रीन होंगे वो सेव हो जाएंगे टेस्ट अच्छा जी इसमें आप लर्नर्स को यह भी बता सकते हैं कि टाइमर जो है वो हमारा तब शुरू हुआ है जैसे ही आपने चेकबॉक्स को क्लिक किया और उसके बाद में आई एग्री टू दू गो फॉर द एग्जाम जैसे ही मैंने आई एग्री बटन क्लिक किया वैसे ही मेरा टाइमर स्टार्ट हो गया है सो so, इस टाइम आप देख सकते हैं कि मैं ब्राउजर पे कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हूँ बट मेरा टाइमर धीरे धीरे कम हो रहा है सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि वेदर यू रिस्पॉन्ड ऑन ब्राउजर और यू डू नॉट रिस्पॉन्ड ऑन ब्राउजर अगर आपने ब्राउजर विंडो खोल लिया है आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका स्टार्ट हो चुका है, है। तो अपने समय का जरूर ध्यान रखें आपके पास वही जैसे आपको क्लासरूम में एग्जाम देते समय एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन होता है आप बार बार इन्वेजलेटर से टाइम मांग रहे होते हैं फाइव मोर मिनट्स टू मोर मिनट्स यहाँ पर क्योंकि सारा कुछ डिजिटल इन्वायरमेंट है हेयर यू कैन नॉट रिक्वेस्ट फॉर फर्दर टाइम एक्सटेंशन सो मेरा सभी से रहेगा अपने टाइमर की तरफ जरूर ध्यान रखें आप हर क्वेश्चन पर उतना ही टाइम दें जितना कि उसके लिए अप्रोप्रिएटली आपके शेड्यूल में होता है तो अब आशा जी आप इसको और आगे डेफिनेटली आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे हमारे पास टेस्ट यूजर है यहाँ पे आपको आपका नाम दिखेगा यूजर आईडी विद विच यू हैव लॉगड इन फर्दर यहाँ पर एक छोटा सा विंडो है जो आपको अगेन मार्किंग स्कीम दिखा रहा है यू हैव ग्रीन यू हैव रेड यू हैव ग्रे विद द सिमिलर मीनिंग दैट वी हैव सीन प्रीवियसली एंड एक डेमो मॉक टेस्ट है आप भी इस मॉक टेस्ट को अटेम करके प्लेटफॉर्म से फेमिलियर हो सकते हैं सभी लर्नर से ये रिक्वेस्ट रहेगी की आप मॉक टेस्ट जरूर लें मॉक टेस्ट का आपके ऑल एग्जाम इंटरनलेंट एग्जाम से कोई डायरेक्टली uh, उसका इवेल्युएशन में कोई रोल नहीं है तो इसके कोई मार्क्स नहीं है बट ये आपको फैमिलराइज करने के लिए कि किस तरीके से आपको रियल uh, टेस्ट को लेना है उस वजह से इसको डाला गया है हम uh, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि प्रज्ञान प्लेटफॉर्म जो आपके लिए लर्नर सेंट्रिक uh, जितने भी एस्पेक्ट्स uh, हैं आपकी सारी ज़रूरतों को ध्यान में रख के बनाया गया है तो मॉक टेस्ट को ज़रूर लें परफेक्ट और अब आप यहाँ देखेंगे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लिया है लेकिन कोई भी बटन क्लिक नहीं किया है कोई भी आंसर नहीं दिया है इसलिए यहाँ पर मुझे ये रेड दिखा रहा है बाकी कोई भी क्वेश्चन मैंने अभी विजिट ही नहीं किया है आई हैव नॉट मूव टू एनी क्वेश्चन टू थ्री फोर फाइव इसलिए ये स्क्रीन पे मुझे ग्रे दिखा रहा है मेरी स्क्रीन के आप बॉटम की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे आई हैव सम बटन जिसमें से पहला बटन है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट ये मार्क फॉर रिव्यू वो है जिसको आप अगर क्लिक करके मार्क फॉर रिव्यू करते हैं ताकि आपको बाद में ये पर्पल कलर के इन के साथ दिख जाए सो दैट यू कैन विजिट दैट क्वेश्चन लेटर फर्दर क्लियर रिस्पॉन्स बटन है विच हेल्प यू टू क्लियर एनी रिस्पॉन्स सपोज आपने बाई मिस्टेक यू हैव चूज दिस रिस्पांस एंड यू वॉन्ट टू क्लियर इट तो आप इस बटन को प्रेस करके इसे क्लियर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को अनविजिटेड भी छोड़ सकते हैं फर्दर है सेव एंड नेक्स्ट सो इफ आई वॉन्ट टू आई सपोज आई हैव क्लिक दिस आंसर एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट द आंसर सो वट आई डू आई विल क्लिक ऑन दिस बटन सेव एंड नेक्स्ट ये बटन क्लिक करने से आपका बेनिफिट क्या है कि ये बटन क्लिक करते ही आप देखेंगे कि वो मेरा क्वेश्चन ग्रीन हो गया दैट मींस आई वॉज कॉन्फिडेंट फॉर द आंसर आई हैव सेव्ड माय आंसर टर्निंग क्वेश्चन टू द ग्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एज सर सेड कि आप मेक श्योर sure करें कि जब आप टेस्ट को सबमिट कर रहे हैं आपके ऑल थर्टी फाइव क्वेश्चन आर आंसर्ड बाई यू प्लीज डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनविजिटेड और नॉट आंसर्ड और मार्क्ड फॉर रिव्यू प्लीज

इसका मतलब है कि आंसर मैंने दे रखा है ऑल दो मैंने इसे रिव्यू के लिए मार्क किया है लेकिन अगर बाई चांस टाइम क्रंच की वजह से मैं वापस इस क्वेश्चन पे नहीं आ पाती हूँ तो जो भी आंसर मैंने मार्क किया है वो मेरे इवेल्यूएशन में कंसिडर हो जाएगा नो सपोज दिस इज़ द क्वेश्चन जिसका मैंने आंसर ही नहीं किया है और मैं इसे मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ती हूँ तो आप देखेंगे कि कंप्लीट पर्पल बटन आ रहा है विदाउट एनी ग्रीन टैगिंग इसका मतलब मैंने इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं किया था तो चाहे मैं इसे मार्क फॉर रिव्यू भी कर दूंगी ये मेरा इवेल्यूएशन में काउंट नहीं किया जाएगा फर्दर ऑन द फोर्थ क्वेश्चन सपोज मैंने कोई आंसर नहीं किया और मैं सेवन नेक्स्ट पर आ गई तो ये फोर्थ क्वेश्चन रेड ही रहेगा क्योंकि मैंने इसको ना तो रिव्यू के लिए मार्क किया ना इसको आंसर किया बट मैं इसको रीड कर चुकी थी सो नॉट आंसर्ड क्वेश्चन आर गोइंग टू बी रेड ओनली अगेन सभी लर्नर से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि बिफोर uh, सबमिशन जब आप अपना एग्जाम पूरा करने के लिए जा रहे हैं उस समय जो भी आंसर्स थे और जिनके लिए आप कॉन्फिडेंट थे वहाँ पर ग्रीन साइन मार्क जरूर आ जाना चाहिए जिससे कि आपके इवेल्युशन में कोई असुविधा ना हो सो इफ़ यू कैन सी अब इसमें मैंने लास्ट क्वेश्चन था मैंने इसमें आंसर मार्क कर दिया जैसे ही मैं सेव एंड नेक्स्ट करूँगी तो ये मेरे सारे आंसर्स अपने आप ग्रीन पर्पल और रेड इन कोडिंग में आ चुके हैं एज़ पर माई चॉइसिस सो नाउ आई कैन क्लिक ऑन सबमिट एंड सबमिट द टेस्ट बट एज सर्ट हैज सजेस्टेड कि हमें कोई भी आंसर ग्रीन नहीं छोड़ना है बट स्टिल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ कि आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक सबमिट समरी दिखाई दे जाएगी जहाँ पर आपको क्लियरली मैंशन है कि यहाँ पर आपके पांच क्वेश्चन थे आपने दो आंसर करे हैं एक आंसर नहीं करा है एक को रिव्यू के लिए छोड़ दिया है और एक क्वेश्चन है जिसमें आंसर करके रिव्यू के लिए छोड़ा है सो so, टेक्निकली आपके सिर्फ तीन ही क्वेश्चन इवेल्युएशन के लिए वैलिड हैं दो जिनको आपने आंसर किया और एक जिसको आपने आंसर करा पर रिव्यू के लिए मार्क करके छोड़ दिया है जी आगे हम उसको सबमिट uh, करते हैं ये सबमिट बटन अगर नीचे आप देखेंगे आर यू श्योर टू सबमिट दिस ग्रुप आपसे कई सारी कंसेंट ली जाएंगी तभी इसको सबमिशन की तरफ ले जाया जाएगा आप जैसे ही यस yes बटन को मार्क करते हैं तो आपका ये सबमिशन के लिए फर्दर चला जाएगा लेकिन अगर आप नो no मार्क करते हैं आपको कोई कन्फ्यूज़न है वापस आप अपने सेम टेस्ट पर जाना चाहते हैं देन यू कैन क्लिक ऑन नो तो एज यू टू क्लिक ऑन नो यू कैन सी द विंडो इज ओपन सेम दोबारा एंटर कर जाते हैं यहां पर फिर आपको कोई करेक्शन आपको याद आ जाता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको याद आ जाता है आपको लगता है कि वो आंसर मैंने गलत किया है आ, तो उसमें आप अपनी करेक्शन कर सकते हैं द सेम विंडो इज ओपन लेकिन इसमें एक कौशन है कि आपके पास टाइमर में वो टाइम exactly. बचा हुआ होना चाहिए अगर टाइमर में टाइम खत्म हो गया तो ये ऑटो सबमिशन की तरफ चला जाएगा एग्जैक्टली exactly. तो सबमिशन दो तरीके का है या तो आपने बटन प्रेस करके कंसैंटे के सबमिट कर दिया या आप पूरा टाइम लैप्स कर चुके हैं तो ये ऑटो सबमिट हो जाएगा ऑटो सबमिट होने के टाइम पे आपने जो भी आंसर्स मार्क करे होंगे जैसा कि मैंने आपको समरी में दिखाया दोज आंसर्स विच हैव ग्रीन और दो आंसर विच अ ग्रीन ओनली दोज आंसर्स विल बी इवेलुएटेड कोई भी ऐसा आंसर जो आपने विजिट नहीं किया है जो आपने मार्क नहीं किया है वो इवेल्युएट नहीं किया जाएगा फर्दर यहाँ पर आने के बाद एक और चीज़ मैं बता दूँ कि जब भी आप नो no प्रेस करेंगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपकी प्रोग्रेस पूरी चली गई होगी द प्रोग्रेस इज़ सेव्ड इन द सिस्टम और आप वहीं से वापस स्टार्ट कर सकते हैं आज यू कैन सी मैंने दो आंसर मार्क किए थे तो दोस्त टू आर ग्रीन मैंने एक को रिव्यू किया था वो जो कलर इन के साथ मैंने सबमिट किया था द सेम इज़ देयर मतलब इसका ये है कि अगर आपने नो बटन प्रेस करके जैसे ही आप वापस अपने विंडो में आए हैं तो आपके कोई जो मार्क्ड आंसर्स थे उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जब तक कि आप उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे तब तक वो आंसर्स जो ऑप्शंस आपने सेलेक्ट किए थे वो चेंज नहीं होंगे एग्जैक्टली exactly. अब सपोज मैं सेकेंड क्वेश्चन पर आई और मैंने देखा कि मेरा आंसर गलत था और मैंने सही आंसर चूज कर लिया सही आंसर चूज़ करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट जरूर प्रेस करना है अगर आप सेव एंड नेक्स्ट बिना प्रेस किए सीधा थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं तो आपने अपनी प्रोग्रेस को सेव ही नहीं किया वो सेकेंड क्वेश्चन अभी भी वही रहेगा जो आपने पहले मार्क किया हुआ था सो दिस हैज़ टू बी वेरी यू नो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस कि आपने यहाँ पर अपना uh, सही ऑप्शन चूज करने के बाद उसको सेव भी किया इसीलिए एक बार फिर से मैं कहूंगा कि आप मॉक टेस्ट जरूर लें आशा जी ने बहुत अच्छे से ये चीजें एक्सप्लेन की हैं और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मॉक टेस्ट लेना क्यों जरूरी है बिकॉज आपके ऊपर जो टेक्निकल जो, जो, जो जोन है और या जो हमारा डिजिटल एनवायरमेंट है उसका कोई प्रेशर नहीं रह जाता बिकॉज यू आर गोइंग टू बी सो फैमिलियर विद द थिंग्स

तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अब मैं अपने पेपर को सबमिट करना चाहती हूँ स्टिल हमारा सिस्टम आपसे टू लेवल ऑफ चेक लेता है ताकि आप कभी भी एक्सीडेंटली किसी भी वजह से अपना पेपर सबमिट uh, ना कर दें सो so, जैसे ही मैं इस पर येस क्लिक करूँगी ये फिर हम उससे पूछ रहा है कि डियर कैंडिडेट यू आर गोइंग टू सबमिट योर असेसमेंट और अगर आप श्योर हैं तो प्रोसीड ओके सो so, अगर मैं कैंसिल कर देती हूँ सो आई लगेन गो टू माई टेस्ट विंडो तो आपको दो चांसेस हैं वापस अपने टेस्ट विंडो के जाने के लिए बट जैसा कि सर ने कहा प्रोवाइडेड आपके पास टाइम बचा हो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट सो अगर आपके पास टाइम ही नहीं बचा है तो ये ऑटो सबमिट हो जाएगा ये आपसे इतने क्वेश्चन नहीं पूछेगा ये विंडो बंद होके आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा नेक्स्ट जब आप ओके okay प्रेस करेंगे तो ये okay. आपको एक मैसेज देगा दिस मैसेज मीन्स आपका टेस्ट सिस्टम में सक्सेसफुली सबमिट हो गया है यहाँ पर ओके क्लिक करते ही आपका पूरा जो टेस्ट था वो आराम से असेसमेंट जा चुका है सिस्टम के पास ग्रेड होने के लिए और आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं यहाँ पर अपने मार्क्स को लर्नर चेक कर सकता है यस सर तो आप जैसे ही सबमिट uh, करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि एक ऑटो ग्रेडिड सिस्टम है ऑटोमेटिकली मशीन के थ्रू आपकी मार्किंग हो रही है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे अटेम्प फोर से फाइव हो गए हैं बिकॉज आई हैव टेकन वन इन फ्रंट ऑफ यू और यहाँ पे एक प्लस बटन है इस प्लस बटन को क्लिक करते ही आप यहाँ पे नंबर ऑफ अटैम्प्ट देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ फाइव दिए हैं तो मुझे हर अटैम्प्ट की समरी दिखाएगा सो so, मेरे करंट अटैम्प्ट में मार्क्स आए हैं फाइव और मेरे अच्छा जी एक बार फिर से एक लर्नर्स को ये बता दीजिए कि हम हाँ, आपके इन कोर्सेज के लिए आप अपियर होने जा रहे हैं फॉर द इंटरनल असमेंट आपके पास केवल टू अटैम्प्टे मॉक टेस्ट है इसलिए नाइन्टी नाइन वहाँ पर शो हो रहा है पोस्ट स्लैश एंड उससे पहले आप देखेंगे फाइव इज देअर फाइव डिजिट इज गोइंग टू शो हाउ मनी टाइम्स यू हैटेम्पट दिस मॉक टेस्ट तो मॉक टेस्ट में तो ये ऑप्शन है कि मल्टीपल टाइम्स यू कैन टेक द मॉक टेस्ट लेकिन ये ऑप्शन uh, आपका रियल uh, टेस्ट uh, uh, लेने में नहीं होगा वहाँ पर केवल दो अटैम्प्टी रहेंगे एग्जैक्टली exactly. और यहाँ पर आप अपने अटैम्प्ट के मार्क्स देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि मेरा अटैम्प्ट जो अभी मैंने दिया है वो इस डेट को इस टाइम पर हुआ है तो आप देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम आपकी हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली स्टोर कर रहा है मैंने कब स्टार्ट किया मैंने कब बंद किया और मेरे कितने मार्क्स आए फर्दर अगर मैं चेक करूँ कि मेरे प्रीवियस अटैम्प्ट में कितने मार्क्स थे तो मैं देख सकती हूँ कि मेरा प्रीवियस अटैम्प्ट कल था और उसमें मेरे मार्क्स थे चार तो हमारा सिस्टम जो है हमने ऐसे डिज़ाइन किया है कि आपके दोनों अटैम्प्ट में से जिसमें भी आपके ज़्यादा नंबर आए होंगे चाहे वो पहले अटैम्प्ट में ज़्यादा आए हों या दूसरे अटैम्प्ट में ज़्यादा आए हों उसी को हम आप, आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसकी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है कि मान लीजिए आपने सोचा था कि आपके सेकेंड अटैम्प्ट में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाए तो आपका जो भी बेस्ट होगा वही हम आपके आइए के लिए कंसिडर करेंगे अब सर आपको बताएंगे कि इन केस ऑफ एनी टेक्निकल प्रॉब्लम आपको आती है तो एग्जैक्टली exactly हमें आ, करना क्या है मैं सभी लर्नर्स को बताना चाहूँगा कि कोई भी टेक्निकल ग्लिच अगर आपके इंटरनेट कनेक्शन के इंटरप्शन के कारण या किसी और पावर फेलियर और किसी रीज़न से आपके एग्ज़ाम देने में आती है और जबकि आपने लॉग इन कर लिया था तो लॉगिन करने के बाद नाउ बिकॉज एज आई सेड इन द बिगनिंग इट्स दैट इज़ गोइंग टू बी काउंटेड एंड और ऐसा भी हो सकता है कि आपके टोटल अटैम्प्ट एग्जास्ट होने वाले हों आपको सेकेंड टेस्ट में ये असुविधा आई हो तो उस समय पर क्या करना है आपको अपने उस डिवाइस के साथ जो भी स्क्रीन पे मैसेज आपके डिस्प्ले हो रहा है आप एक जीपीएस टैग फोटोग्राफ आप अपना लेंगे कुछ प्रूफ्स के साथ और प्रॉपर एक एप्लीकेशन uh, या जिसको कहना चाहिए आप अपना रिप्रेजेंटेशन टाइप करके जो तो हमारे नोटिफिकेशन में गिवन ईमेल आईडीज़ हैं क्वेरीज डॉट एल एम एस डॉट टू यू जी एट द रेट सोल डॉट डी यू डॉट ए सी डॉट इन क्वेरीज डॉट एल एम एस डॉट फोर यू जी एट द रेट सोल डॉट डी यू डॉट ए सी डॉट इन इन पर आप हमें भेज सकते हैं आप देख सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर के लिए एक सेपरेट ई मेल आई डी है फोर्थ सेमेस्टर के लिए एक अलग ईमेल आईडी है तो इन ईमेल मेल पर आप हमें वो रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं साथ में ही आ, आप उन फ़ोन नंबर्स को आ, जो हमारे सेम नोटिफिकेशन में दिए गए हैं आ, वो टोटल नंबर ऑफ फोन फ़ोन नंबर्स आर सिक्स आप इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे एजेंट्स वो नाइन थर्टी टू फाइव थर्टी वर्किंग आवर्स में जो अवेलेबल हैं वो आपको रेस्पॉन्ड करेंगे असिस्ट करेंगे आ, हम आपको कोई ना कोई रेमेडी ज़रूर देंगे Uh, कुछ ना कुछ सोल्यूशन के साथ आ, आपकी क्वेरीज़ को हम आ, सुनने के लिए तैयार हैं इसीलिए मेरा सभी लर्नर्स से ये रिक्वेस्ट रहेगी किसी भी पैनिक जोन में ना जाएं आप अपने नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी करें हम आपकी उन समस्याओं के निदान के लिए हमेशा तत्पर हैं लेकिन इसमें ये ज़रूर ध्यान रखने वाली बात है कि आपको ये ये जो अपना रिप्रेजेंटेशन है ऑन द सेम डे इन दैट डे डे ऑन विच यू हैव टेकन दैट पर्टिकुलर एग्जाम द डेट हैज़ टू बी सेम आप उसी में दें आप एक दो दिन बाद देंगे अगर ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन दैन वी विल नॉट बी एबल टू एंटरटेन बिकॉज हर एग्ज़ाम की अपनी एग्जामिनेशन सेंटिटी है तो so इसलिए अगर आप मोर देन वन डे ये लेकर आते हैं इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन वी विल नॉट कंसिडर एट एज अ

टोटल बट स्टिल्प करने से पहले वी हैव टू जस्टिफाई दैट आपका क्लेम करेक्ट है तो आपको करना क्या है अगर किसी भी समय पर आपको प्रॉब्लम आ गई है आपको उसी वक्त अपने ब्राउजर की अपनी स्क्रीन की अपने टैब की जहाँ से भी आप टेस्ट दे रहे हैं उसकी एक जियो टैग डमेज लेनी है जियो टैग डमेज कैसे ली जाती है इसका हमारा एक सेपरेट वीडियो है आप उसको देख सकते हैं जियो टैग इमेज लेने के बाद आपको उस इमेज को लगाना है अगर आप हमें फ़ोन के थ्रू नहीं रीच कर पा रहे हैं तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आप हमें ईमेल करें क्योंकि हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि, कि आपका क्वेरी का रिजोल्यूशन विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स करके हम आपको वापस कॉन्टैक्ट बैक करें तो आपको तो अपनी ई में अपनी प्रॉब्लम लिखनी है अपना आ, प्रूफ लगाना है अलॉन्ग विद डैट आपको अपना कॉन्टैक्ट ई मेल और नंबर हमें देना है ताकि हम आपको रीच कर सकें जी सो वंस यू आर डन तो आप यहाँ से इस कंटेंट प्लेयर को बंद कर सकते हैं और कंटेंट प्लेयर को बंद करने के बाद ये आपसे पूछेगा डू यू वॉन्ट टू एग्ज़िट तो आप यहाँ से बिल्कुल एग्जिट हो सकते हैं और एग्जिट होने के बाद आपका सिस्टम वापस आपको आपकी मेन स्क्रीन पर ले जाएगा जहाँ पर आप आउट के थ्रू सिस्टम से लॉग आउट हो सकते हैं जी